चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आगे। और आज का शुरुआत एक मॉडल क्वेश्चन से होगा। हाँ, रटना भी है और उसको समझना भी है। सच में अभी हमने जितनी बार हम लोग भी नया स्टेंट आए हैं, बट ठीक है, मुझे पता चले कि कोई बच्चा है। ये थोड़ा लंबा है, बट टाइम से निकालेगा तो जल्दी निकलेगा। कब तक आपको पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस? हमको ब्रेक चाहिए। आपको बोले ना, एक तो 21 तारीख से 12 तारीख दी है। हम ना बता रहे हैं, हम बता रहे हैं रमजान की बात से क्लास ज्वाइन करेंगे, हम नहीं करेंगे क्लास। सिलेबस बाहर जाएगा तो दिखा है, ट्वेल्थ है, ये दरबार है। हम लोग को रहने नहीं आते आपको इतना, मतलब ये सब बात घर में बोलो तो समझ में भी आता है। हमको ब्रेक चाहिए पढ़ाई से। यहाँ आने के बाद हमको अच्छे से पता कितने लोग पढ़े आते हैं ना, ब्रेक चाहिए। यहाँ पे जब एक पूरा क्लास है ब्रेक होता है, पढ़ाई का होता है। मास्टर की गलती, मास्टर ही बात करता रहता है। बच्चा सीरियसली पढ़ाओ तो बोलता आपने तो भूत घुस गया भैया। उसको सीरियसली पढ़ाना नहीं कहते, उसको सच में लगा था भूत घुस चढ़ गया है कल। ऐसे प्यार से बात करते हैं आपसे, कभी नहीं उम्मीद कर सकते इतना प्यार। प्यार की वजह नहीं भागेंगे। वाइब्रेट कर रहा है तेरा ब्रेन, हम बता रहे हैं वाइब्रेशन मोड में। गुड, ऐसे ही कॉल करना जरूरी है। ये देख, दो मास है M1 और M2 और उसका सेंट्रल मास बीच में, देख पा रहे आप लोग। हम कहते हैं कि इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं लग रहा था, ये बीच में से बैलेंस था, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रखा हुआ एकदम अच्छा नहीं लगता, शांति से रखा हुआ उसको तोड़ना है। वो क्या करे, इस मास को एक्स डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस कर दे। तो पॉइंट वहां पे दे दे, नहीं, ठीक है। और हम ये रखना ये चाहते हैं तो M1 से देखिए हैं बैलेंस है, बैलेंस है, राइट सा बात है, एकदम बीच में नहीं है, थोड़ा सा इधर है, क्योंकि इधर मास ज्यादा है। हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास हेवियर मास की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल कि अगर हम यहां से इसको निकाल दें, यहां पे बैलेंस हुआ था, नहीं हुआ था ना, इस मास को यहां से हटा दें तो भी क्या यहीं पे बैलेंस होगा? नहीं, नहीं। अच्छा, अगर हम इस मास को उठा के यहां जोड़ दें तो भी क्या यहीं पे बैलेंस होगा? नहीं। आप लोग सेंटर ऑफ मास में M1 X1 लिए थे, है ना। सेंटर ऑफ मास मतलब जो भी तुम्हारा ऑरिजिन है, वहां से सेंटर ऑफ मास का दूरी भी मैटर करता है। मतलब हम ये कह रहे हैं यहां सेंटर ऑफ मास है, यहां M1 रखें और यहां M2 रखें, या फिर यहां M1 रखें और M2 यही छोड़ दें। तो आप अगर इसका दूरी घटे, तो पहले M1 यहां था, अब M1 यहां है, दूरी घटा, तो दूरी घटने पे सेंटर ऑफ मास का पोजिशन चेंज होता है। तो सेंटर ऑफ मास से यह मत समझिएगा कि सिर्फ दो मास को बैलेंस करना है, वो दूरी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हम चाह रहे थे भाई कि यहां वाले मास को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करें, यहां वाले मास को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करें, लेकिन चाहते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ मास यही रहे। तो उसका एक ही उपाय है ना, जितना तो इसको इधर शिफ्ट करो उतना ही दूर इसको भी कर दो, उतना ही दूर नहीं मतलब उसकी रेशियो में कर दो, तो मे भी बैलेंस हो जाए। तो ये पहले था M1 यहां था, M2 इधर था, सेंटर ऑफ मास यहां था जो कि ओरिजिन पे था। अब आप If M1 is shifted x distance towards center of mass, then by how much distance should
एम टू ऑल्सो मूव सो एज टू कीप सेंटर ऑफ मास एट सेम पोजिशन. आप लोग फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, पानी पीकर आ रहा है, बॉटल लेकर नहीं आ. यहाँ से जाने के पहले छुट्टी से पहले एक बार कैमरा से घुमा दिया याद रहेगा. बोलते ड्रेस में कैसी लगती है यूनिफॉर्म. जस्ट पहले बोले
नॉर्मली वैसे बैलेंस था ना, हाँ फिर आप अहमद को खरीद क्यों किए? बोले तो मुझे वाला यही लक्ष्य है, जो भी चीज बैलेंस होता है उसको मेरा सीधा उन करती हो, तो मैनेज करने के लिए कुछ तो पहले से आना चाहिए ना भाई। अरे मतलब ऑलरेडी बैलेंस था तो एम वन को इधर कर दे, फिर आपको एम टू भी इधर चाहिए क्या भैया? पढ़ो आप खड़े मेरे साइड शिफ्ट है, सेंटर में मार्क शिफ्ट हुआ है नहीं बच्चे पढ़ो, ये मेहमान ही एक्सेलियन है एक्स, ये गवाज अल्ट्रा प्रो मैक्स है। अल्ट्रा प्रो मैक्स और कुछ नहीं है ठीक है, प्रो मैक्स कर देते हैं, क्या दिक्कत है? चल हो गया नहीं, अब क्वेश्चन तुम एक पेज में क्या ही होगा तुम्हारा? दो 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 पेज ही तुम वो हम मुझे तो अपना कॉपी दे ले यहाँ लिख ले जा, इसकी एलिगेंसी नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं दी, घंघोर बेइज्जती था हो गया। इसके पीछे क्यों पड़ी? अच्छा कल से ही मुझे तुम अफीफा हो या फेलिस अफीफा बोले डिसाइड करो, धक्का मारने का कूदने का ऐसा ही मन लगा था नहीं, इसको बस धक्का मारने गिराने का मन कर रहा है। नहीं बिल्कुल डिसाइड कर दो अफीफा या पहले सफीफा है अभी के लिए, पहले सफीफा अफीफा बोल रहे आप ना ज्यादा, उसके बारे में तो तुम बोले थे हम नहीं बोले, आप खुद के वो कर रहे हैं। नहीं कुछ बोली बोले थे दोनों का कान बदलता हूँ, दोनों का कान एक साथ ही बदलता है तुम्हारा बता के देख रहे हैं। ठीक है चलो मांगते हैं यू कैन सिंपली से मुंडी घुमा चिपक क्या है इधर देखना पूरा पूरा ऐसा मामला होता है गर्दन घूमता है कौन सा हड्डी घुमाता है गर्दन ले ले सात होते हैं ना हड्डी इसमें तो कोई एक गर्दन में कितना हड्डी है सात एक एक सात हड्डी होता है यस वो कौन अच्छा नहीं कहते हैं यस वो नाम बताओ अच्छा तो नो बोन बताओ नो बोन यस के बाद नो उसका नाम ये भी याद नहीं उसे याद कियो बोले तो नहीं याद किया बोन जाके उसको चौक से भी जरा कोई बात नहीं निशाना सुन दिया इधर देखो ये था अगर हम इसको एक्स इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी कुछ शिफ्ट होगा मान लो वाई तब वापस सेंटर मास वही का वही रहे ऐसा ही था तो इसको x2 के बदले y लिखते हैं ताकि समझ में आए कि ये y वाला निकालना है कौन सा तीन बारे बताओ साथ में आए माइनस भी होगा नहीं नहीं वो इक्वल टू करके किए ये क्लास क्लास में बता क्लास क्लास लेक्चर देखी हो तो एक सब आई थी तो याद ही होगा सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन पे मान लें तो ये एक्स टू तो यहाँ एम वन यहाँ एम टू तो सेंटर ऑफ मास होता है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो क्योंकि सेंटर ऑफ मास जीरो पे है और यहाँ से आया था एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू माइनस के साथ ठीक है अर्पिता सिंह ये एक मॉडल आंसर याद रखिएगा बस बगल में एक चीज और लिख लीजिए कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन वी टेक सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन कैन ओनली बी अप्लाइड
can only be applied if we take center of mass at origin can only be applied if we take center of mass at origin. Next heading डालिए center of mass of a continuous body. ये एक heading है center of mass of a continuous body. सुनाया रहा है आज कुछ एग्जाम था अभी कहाँ बाहर चले हमको बोलने की बारह प्रिंट मस्त है अच्छा नंबर दिए थे डिलीट कर दो सेव किए थे याद है तुम लोग एक ग्रुप में हो और तब भी तुम लोग का नाम एक दूसरे का नंबर सेव नहीं है नंबर कौन सेव करता है हम स्कूल वाले का नंबर नहीं कभी सेव किया था स्कूल गए कितना दिन से पहले भी तो स्कूल में थे ना टेंथ में ऑनलाइन क्लास के किसी का नंबर नहीं सेव करता कौन करता पता आपके जैसे नहीं आपके क्लास में कितना बच्चा है 19 सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी और प्रूफ चाहिए नहीं आप ही का फोटो मेरा फोटो देख रहे थे बात बता नहीं साधन का सर हम एक बात नहीं इनको पता ये भेजिए सर ये तो पता लेकिन साधन वाला थोड़ा क्लास छोड़ के लड़का का फोटो देख रहे वही तो तेरे को हम बता रहे अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें एक मास यहाँ एक मास यहाँ M1 M2 छोटा नहीं है और छोटा कर दिए मेरे थोड़ा बड़ा बड़ा रखिए Got it? वाह सब सवाल है M1 M2 बीच में घंटा नहीं है यहाँ बस बता रहे मास तो खाली यही है समझे बात इन दोनों का सिर्फ मास कुछ यहाँ आया था और इसका फॉर्मूला था M1 X1 + M2 X2 / M1 + M2 लेकिन यहाँ तो कंटिन्यूअस बॉडी है यहाँ थोड़ा देखा इसलिए एक मास यहाँ बाकी जगह खाली खोखला थोड़ा ना मास तो पूरे में है ये गिरा तो फिर आएगा फिर आएगा टीचर सर आ रहा है ना इसीलिए मिस कर रहा हूँ मजा आ रहा है लेकिन देख देख के नहीं रहा हूँ भाई साहब ठीक अब हम कल की तरह पढ़ाएंगे अभी तो बहुत बंद हो गया तो सर छोड़ लेंगे अब देखिए हम स्कूल से आए हैं थोड़ा रहम कीजिए इसको डांट छोड़ना है नहीं 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 चाहिए उस वाले ट्रैक पे नहीं जाना छोड़ दीजिए अब अभी तक लगा एक बार से पढ़ाई नहीं है नहीं देखो हम लोग जब बनाने में मतलब पक्का वाला लग रहा है ठीक है एक रॉड है रॉड का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है जबकि कंटिन्यूअस बॉडी इस तरह के केस में आप कौन सा मास हम बोल रहे हैं हमको सेंटर ऑफ मास बता दें और कभी कभी दौड़ी में सबको देखे ही हमें बचपन साल में का दिन नौके का तो पढ़ने बैठता है कैसे बैठता है यहाँ पे कुछ बांध लेता है एक पेंसिल कान पे और एक हाथ बचा लो
वैसे ही अंदर बैठे हैं क्या सब फॉलो करके छोड़े ठीक है तारीख था तारीख था नहीं सुनी तारीफ कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी ना आदत हो गया है आपके साथ आदत है आगे बढ़िए अच्छा ठीक अब हमको बताओ कि तुम कौन सा कौन सा मास का हम डिस्टेंस लें जैसे मान लो रेखा रेखा उसका मास करवा दो उसका मास करो तो कॉपी पहन रही है मान ले यहाँ वाला मास यहाँ बोले इसका मत बताओ भाई सेंटर ऑफ मास अब तो ये मास लेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा उससे ठीक पहले वाले की तब भी वही आएगा यहाँ लोगे तो ये आएगा कितना आएगा तो भाई इसमें एक तो आइटम है एक तो जगह पे मास इनफाइनाइट मास है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं वो सांप सेनी वाला होता ना वो सांप है इंटीग्रेशन कैसे होगा करवानी भेजे थी अरे भाई नहीं तो मत कर मतलब ये हजार है सांप से एक बार मेरा भी पोपट हुआ था ये बात है 2002 का पहला इंटरव्यू हम वन में थे उसको हम क्लास वन में थे अच्छा 2008 में हम थे क्लास फोर में चार साल पहले 2004 में हम थे क्लास वन में तो 2004 का बात और ये बात है 2004 के दिसंबर के वक्त का हाँ तो हम थे जी एग्जिस्टिंग बॉडी हो तो ले दीदी बोलना हो तुम सब पर बाहर निकलते दीदी को जाने तो वो तो हो गया भाई उसके बाद हम उस वक्त पहली बार अपनी बुआ के यहाँ गए थे अपने याद में एक बार गोद में तो गए थे जमशेदपुर में और उसके बाद पहली बार अपने याद में गए थे तो मेरे भैया लोग जो बुआ के बेटे लोग हैं बुआ समझती हो कॉफी फूफी तुम्हारे लाइन से बोले कहते तो वहां उनका बेटे लोग डैडी को पकड़िए मामा मामा ऐसे हम लोग पकड़ते हैं मामा आए भाई आज तो पार्टी हो तो हम थे डैडी थे और भैया थे बुआ के छोटे वाले भैया उस वक्त वो भी ख्याल क्लास 9-10 में रहे हम लोग तो मार्केट से पैदल गुजर रहे थे और अचानक से देखिए फास्ट फूड का शॉप उस वक्त आज की तरह फास्ट फूड नॉर्मल नहीं था फास्ट फूड खाना है यानी चाउमीन से खाना है अब एक प्रीमियम अच्छी जगह पे जाते हैं वहां चाउमीन खाना भी बहुत इज्जत का बात होता था और वो लोग रईस फैमिली भी थे मतलब बुआ उस वक्त जमशेदपुर की सबसे रईस फैमिली में से एक थी मेरे बाबा जो है मेरे ससुर जी वो टाटा डिस्को के एमडी थे और ये जिस वक्त का बात है उस वक्त सिर्फ टाटा ही था मतलब टाटा का टायर मतलब तुम प्रधानमंत्री से मिल सकते हो वो कुछ वैसे ही पोस्ट पे थे वो खुद भी जवाहरलाल नेहरू लोगों के साथ उनका फोटो पोस्ट पर डैडी टेंशन में थे आज तो उठा गए हम हमको खाते में कुछ समझ में आ रहा था उसके पहले कभी चाउमीन खाए नहीं थे यहाँ यार हम उस वक्त गांव में रहते थे गांव में सबका चाउमीन बहुत बड़ा बात है और जाहिर सा बात है उम्र भी इतनी को था कि लोग घर के बाहर ले नहीं जाता था अब आज का बात थोड़ा ना कि मैगी कॉमन हो गया है उस वक्त घर के बाहर जाइएगा तभी अब आज है हम कहीं जा सकते हैं तुम्हारा अगर कोई छोटा घर में हो 1-2 में फिर तहीं लेके मार्केट जाते हो उसके लिए तो मार्केट जा रहे हैं तो पार्टी वाला बात हुआ आज हम भी मार्केट जा रहे हैं तो खैर गए दिखा चाउमीन तो भैया बोले मामा खरीदे मामू बेचारे तो रेडी थे ठीक है भाई भांजा बोला है फिर दोनों लोग मेरा मुंह देख रहे हैं हाँ बोलेगा ना बोली है क्या वो चालाक सांप फ्राई करके बनाया हुआ है सांप तो खा ही नहीं सकते सांप के नाम तो डर लगता है यहाँ सांप खाने का बात हो रहा है फिर भैया अरे खाओ ना बहुत टेस्टी लगेगा डैडी जो ना धमका दे
अभी हम छू नहीं रहे भाई वाला इंसान के टांग गए चला बोला ना काट लिया था जाहिर सी बात है बुद्धू बनाना ही प्लान था तो क्यों नहीं बताना था आपके पापा ना आपको बोले भैया लोग खुद ही बोला कि हाँ सांप को फ्राई करके दिए भैया से पूछा ही नहीं ना इतना छोटा बच्चा को जितना विश्वास अपने पापा पे होता है किसी के पास जाएगा कभी देखिए छोटा बच्चे के सामने उसके पापा हो तुम्हारे गोदी में आ जाए तबाही मच जाएगा मम्मी के पास से आ सकता है पापा के पास तुम्हारे पास तो नहीं आएगा लेकिन अगर बच्चा पापा की गोदी में है नहीं हिलेगा हाँ बहुत ज्यादा हो तो मम्मी के पास आ सकता है उससे ज्यादा हिल जाए इम्पॉसिबल खैर हम रेडिये नहीं हुए ठीक है बुआ बोली हमको भी चाहिए उसके बाद बुआ बोली आ जाओ बाबू तुम भी खा लो बेटा खा लो बेटा खा लो बेटा कहाँ खाया जाए बेटा सड़ नहीं रहा रूम में घुस नहीं रहा कि मैं भी सांप नहीं छुप के बैठा हुआ हूँ उसे काट ले हम जाने घुस भी नहीं रहे रूम में जिसमें हम देख लेते हैं मैंने खाया है अब फूफा जी लोग चलो 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 गोदी टांग के जहां नीचे रखे होना चालू कर दे ना मैं भी बैठ के जमीन पे सांप छुप के बैठा हुआ हूँ हम होते यहाँ काट ले बच्चा ऐसा ही होता है बोला हम तो आप नहीं जो चीज जैसे आप जो भी तुम लोग देख रहे हो जो तुम्हारे लिए कॉमन है उसके अलावा कुछ भी नया आएगा तो छोटा बच्चा वैसे ही मानता है मेरे लिए वो अननोन चीज था माने नहीं माने और जाहिर सी बात है लंबा लंबा होता भी था सांप की तरह कोई भी डर जाएगा क्या हम तो खैर भोले भाले बालक थे तो चाउमिन को सांप समझ रहे थे बहुत अल्ट्रा भोले वाले भोले पाले थे ऐसा तो इसीलिए याद आ गया खैर तो आपको इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वो लिखिए एक्स सी एम डायग्राम बनाना है नहीं मतलब ये बना सकते हो कंटिन्यूअस बॉडी को बताने के लिए क्या होता है ये नॉर्मल फॉर्मूला तो पढ़े थे है ना किसके लिए ये किसके लिए पढ़े थे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम पिछले बार में ऐसा पढ़े थे इस बार इंटीग्रेट करेंगे जो आएगा इसका इंटीग्रेशन अगर एक्स की तरफ बताना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम वाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई सीएम बताना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वैसे ही जेड सीएम बताना है तो क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या कहां से लेंगे कहां से शुरू करें एक्स वाई जेड इसके बाद एक्स वाई जेड वो साइड में एक्स वाई जेड वो साइड में लिखा ना देखो क्लास के बाद दोनों करके डंडा देंगे जो जीता वो डिसाइड करेगा सामने वाला क्या है ठीक है अब मार रहे बना रहे हैं तू बस बात ही कर उतना लिख करके आना दर्द हो रहा है तो नहीं है लिख के आए छाप के आए हो लिख के आए हैं व्हिच इज द एग्जांपल इंग्लिश और ये कुछ कुछ लिखना होता है नहीं सही बात है भाई कुछ लिख सके कोई नहीं कहां लंबा लंबा लिखे है सब तेरा ही छापा हुआ क्या सब तेरा छापा था बगल वाला एक था कि उसका पीछे पीछे था बगल वाले के बगल वाला भी बगल वाला उसके भी बगल वाला जहां तक रैंक था उसका सही बेस्ट था उधर का मैं देता ना सर एक बोला तो
नेक्स्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट टॉपिक है नहीं यार पॉइंट वाइज देखो चलना अब क्वेश्चन जो बताएंगे उसी पे बनेगा आई मीन अब जो बताएंगे उसी पे क्वेश्चन बनेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड देखो उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए लोकल है बाबू एक कॉलर अंदर सीमेंट कर रही हो कार थोड़ा भी रहता है अभी का टैंक के बारे में को पता नहीं है अगर ये रॉड है हम कर इसका लेंथ जो मास है लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब ऐसे ये इसको भी हटा दें सिर्फ यहां तक है यहां तक तो कोई लगता है कि सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा आएगा ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म है बट हम बोल रहे हैं ऐसा है यहां तक मास यूनिफॉर्म है यहां यूनिफॉर्म नहीं है तो बोलो कि सर इधर मास थोड़ा कम हो रहा है तो ये थोड़ा हेवियर की तरफ शिफ्ट होगा इधर होगा हो गया नहीं हम खुद भी हिल रहे हैं नहीं गिरेगा इतना साल में नहीं गिरेगा समझे बात तो अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ एकदम बीचों बीच क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज इक्वल टू एल बाई टू एकदम बीचों बीच ये हमको सॉल्व करके देगी कौन हमको बक्स दी दिया दो घंटा आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर दिया फोर एफ आर चार कॉमा लैम्डा लैम्डा ब्रैकेट में लिखिएगा मास बाय लेंथ लैम्डा कितना पड़ेगा लैम्डा रे सिंपल बना लीजिए लैम्डा मास बाय लेंथ लैम्डा मास बाय लेंथ वैरीज एज लैम्डा इज इक्वल टू kx equal rod lambda mass by length varies as lambda is equal to kx one end of the rod is at origin find first position of center of mass of rod of length L position of center of mass of rod of length L बताइए कितना होगा बस एक ही क्वेश्चन था एक और देंगे प्यारे बच्चों इसके आंसर से नहीं 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 अगर अभी आंसर दे दी तो पुराने वाले हैं नहीं तो फिर कल वाले नया होगा हम आंसर पूछ रहे थे फंसाने का पास ना जाए
हम चाहते तुम्हारा भला इसलिए बोले पढ़ो। अब हम पहले भी कहे थे ट्वेल्थ में नहीं बचोगी, डांट के या प्यार से टॉर्चर तो डेली ही करेंगे, नहीं पढ़ोगी तो एक पावरी से मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आंसर बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप प्यारे बच्चों आंसर दी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझा दीजिए आंसर। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि इसमें जो मास है ये यूनिफॉर्म नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ बच्चों। आप अगर इधर शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स बढ़ा रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब यहां मास सबसे कम, लेंथ बढ़ा सकते हैं थोड़ा ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा, मतलब ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मास सबसे कम, ज्यादा 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 नानी बहुत पुराना हो गया, नानी को कितना दिन याद करें, बाबा दादी की है ना, आप सब। तो अब आपको बताना है कि इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, आपको इंटीग्रेट करना प्यारे बच्चों। क्यों इतना प्यारे बच्चों कर रहे हैं आप, डांट थोड़ा ना, डांट के बोला तो सही है, डांटने से ज्यादा है कब से प्यारे बच्चों। तो सारा गलतियां फिर फटा आपको मेरे क्या दुश्मनी है, पढ़ती नहीं इसका दुश्मनी और क्या चाहिए। पढ़ा नहीं जाता सर, वो पैसा नहीं चल यार, फिर तो पढ़ने दिमाग खराब हो गया है। क्या पढ़ गया? ईयर ईयर हॉर्मोन्स में आओ ना अभी। तू ऐसे कह डरा रहा है यार, हम नहीं डरा रहे हैं, हॉर्मोन्स डरा देगा। इतना मजा आ रहा था देखो, क्या हो गया? ठीक है मजा आ रहा था, आगे वाला पार्ट में मजा नहीं आ रहा। कितना लगते रहे हॉर्मोन्स को, हमको पहले ही डरा रहे ये लड़का। पांच पांच है ओनली ओनली। अब गाने 40-50 मिनट, 50 मिनट का नहीं है ना, नहीं उससे कई गुना इसमें आएगा, क्योंकि अभी तुमको ऐसा ऐसा बीमारी के बारे में पता चलेगा तो तुम रियल लाइफ से रिलेट करोगे। देखे डायबिटीज है, ऐसा डायबिटीज इससे होता है। अच्छा कई बार सुने कि डायबिटीज है लेकिन बार बार यूरिनेशन हो रहा है, नर्वसनेस वगैरह वो सब चीज आ रही है, मजा आ जाए, गुस्बम्स आने वाला भी है, गुस्सा में कभी कट साट सट देखोगे तुरंत खून नहीं निकलता है। क्या अभी किसी से झगड़ रहे थे भाई, बात ऊंचा तुम्हारा घर हुआ भाई के साथ, ये है। तो अगर इसको खून खोलता रहता है अभी लड़ना है, अगर छिलाया या नाखून गड़ा तो खून तुरंत नहीं आता है, वहाँ पे वाइट दिखेगा, खून तो 4 मिनट बाद आता है। ऐसा क्यों होता है बताइए। नहीं ये चोट तभी जब गुस्सा हो या डर हो, ऐसे नॉर्मल चोट बाद में पता नहीं कहाँ से जाता है। नहीं नहीं होता है, इतना साफ तरीके से कटा कि पता नहीं चला, वो अलग बात है। पेपर से हाथ कटा है, पेपर से हाँ पेपर से कटता है, घास में भाग काटा है। क्या घास घास क्यों उसमें स्पाइक्स होता है ना, और उसमें सिलिका होता है।
सिलिका एस आई, और सिलिका ही ग्लास बनाता है, ये आपको पता होगा। सिलिका ग्लास का निकलता है क्या? तो क्वेश्चन बोलना है नहीं। ग्लास का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सिलिकॉन ऑक्साइड एस आई ओ, सिलिकॉन ऑक्साइड। यूरिया का केमिकल नेम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तुम पढ़ी हो, उसको याद रखने तरीके से पूछना है। तभी नहीं बोल पाएगी। यार किसके वजह से हुआ? बता दो सर। NH2OH। OH कहाँ से है? उठाना है। होकना चालू। क्या? NH2CONH। That's it। किसके वजह से याद रखेगा? Google। नहीं हम। देखते हैं। अब एक चैप्टर में भी देखेंगे। क्या चाहते हो? केमिस्ट्री का साथ तेरे को चाहिए? चाहिए तो ले सकते हो, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते। इंटीग्रेट करने पे आंसर आएगा 12/6, जो याद कर लीजिए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाइए आपको। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बस क्या बता रहे हैं? ठीक, ये कितना दिया हुआ है? और हमको इस फॉर्मूले में क्या चाहिए? मास। तो अगर हमको डीएम में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ डी बाई डी करना होगा, बात बराबर। तो डीएम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना? और अगर ये लेंथ एक्स की तरफ है तो क्या बोलेंगे? अगर लेंथ वाई की तरफ है तो क्या बोलते हैं? और जेड की तरफ बता दो। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने पे आए एक्स एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। हाँ क्या हुआ? मुझे समझ में आया, ये समझ में आया था कि डी एम कैसे किए थे, के एक्स डी एल हुआ, और उसके बाद फॉर्मूला में पुट करो ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कैसे आता है? एक्स डी एम, एक्स डी एम के बदले क्या लिखेंगे? के एक्स डी एल, ये लिखेंगे। यहाँ पे डीएम है, यहाँ वाले डीएम को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? के एक्स डी एक्स, जो कि ये बच जाएगा, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा डीएम, डीएम मतलब के एक्स डी एक्स, और नीचे बचा सिर्फ के एक्स। बाकी कोई काम नहीं है इस इंटीग्रेशन का, पूरा आंसर याद रखना। पूछ लीजिए, हमको समझ में नहीं आया इसलिए बता दिए। मतलब इलाम जाना है, कुछ का नहीं आएगी। मेरा का कोई कसूर होता ही नहीं है, बता आप मेरा कोई कसूर है? एकदम है। नहीं है। देखो ने पिता, तुम डरो मत, कुछ नहीं करने वाले। अगला ले लो सेकंड। मास ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L, इसको सामने लिखिए। क्या सपोर्ट सेकंड, मतलब इसी क्वेश्चन में सेकंड। हा
मास ऑफ रॉड और लेंथ एल, आंसर लिखिए के एल स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेट करके ये भी आया है के एक्स को इंटीग्रेट करें हैं। देखो मास क्या था, ये क्या था, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मास मिलेगा, एक्स और लेंथ को भी एक्स के साथ लो हो जाएगा के कॉन्स्टेंट बाहर आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू हुआ, और चूंकि इसको जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर रहे हो, जीरो से एल लेंथ तक, इसलिए यहां एल आ गया, समझे नहीं समझे, ये रटना है भैया, ध्यान नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा नहीं, बॉटल लेकर आया, पानी पीने के लिए, होली खेलने के लिए नहीं, होली भी नहीं कभी खेली है, कभी होली नहीं खेली, पसंद नहीं पसंद, पता है वो वाला था क्या बोलते हैं डिसिप्लिन वाला, अगर किसी के पास कलर मिल जाता तो देखे फेंक देता तो बाहर छुपा सब स्कूल में अवार्ड नहीं मिलता फिर पहले तुम लोग क्या मेरा स्कूल है भाई, हम अपने स्कूल का इतिहास गौरवित इतिहास के वाहक हैं, फिर से आप ट्रैक पे आ रहे हैं, आप तो पोएम को ज्यादा ही सुन रहे हैं संगोष्ठी होगा हमारे बीच मुशायरा, वाह मुशायरा क्या, मुशायरा उर्दू लफ्ज है, समझ आया, लफ्ज मतलब वर्ड, लफ्ज मतलब तो समझ आ रहा है, संगोष्ठी ये सब मतलब पोएट्री, संगोष्ठी संगोष्ठी अगला सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, बताए नहीं क्या थोड़ी होली के पहले भांग खा ले, भांग का सेंटरिंग नेम किसका, अच्छा ट्रिगर में पढ़ना है, सॉरी किसका, भांग का, भांग का धतूरा का हीरोइन मॉर्फिन एलएसडी निकोटीन खैनी वैनी सबको पढ़ना है, ट्वेल्थ में क्या ट्रेनिंग मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सारा हम लोग ड्रग पढ़ेंगे, जानने के लिए चाहिए बहुत कम है, पर ध्यान रहे सबसे ठीक नशा भांग से होता है, हमने पीने वाले पता नहीं क्या भांग देंगे, अच्छा ऐसा क्या राज छुपा है भाई, नहीं बट कुछ भी भांग सकते हो तो थोड़े पता है, अच्छा नो रेस्ट, ये राज सामने नहीं आना चाहिए, अब तो इसको ही टांग के पंडित जी के पास लेके जाना है, अभी मेरे दिमाग में आ गया, हाँ तो ये हाइब्रिड हो रही है, देखिए सर इसी का तीसरा नहीं सेंटर ऑफ मास, नहीं तीसरा नहीं रहे अगला, अब ये खत्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही अब सीधा याद ही रखना है, मॉडल मॉडल टाइप का भी नहीं, इसको बोलेंगे फॉर्मूला, जो प्रूफ भी करोगे तो भी याद करवाते हैं, ठीक है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, आज हम इतना बात कर रहे हैं क्योंकि आयुष और आशीष नहीं आए, अच्छा बस बहाना देखो इनका, ठीक है तो अभी 10 मिनट बढ़ा देते हैं, सेमी सर्कुलर ठीक है ना, सब बढ़िया है, पीछे भी एग्जाम लेकर के आए सेमी सर्कुलर,
रिंग नॉर्मली ऐसा होता है, उसको आधा छुपा दे तो क्या बनेगा, सेमी सर्कुलर रिंग। ऐसा हम इसलिए दिखा रहे हैं ये रिंग क्योंकि दो केस इस तरह का पढ़ना है, एक रिंग और एक डिस्क, समझे। ये रिंग है क्योंकि बीच में होल है, अगर डिस्क खोले तो पूरा भरा होगा, जैसे डीवीडी होता है, होल तो है बीच में होल होता है। अरे नहीं है, उसको भी बंद कर दिए, किस तरह एक्सेस प्रेशर होगा किस तरह नहीं होगा, एक्सेस प्रेशर याद आ रहा है, सरफेस टेंशन याद है, व्हाट इज सरफेस टेंशन, आप लगता तुम्हारे यहाँ भी चाय पीना पड़ेगा, खत्म हम सोच लिए हैं। तो आजकल मार्केट में कोल्ड कॉफी आ गया है 10 रुपए में, खरीद के बाहर लाने चाहिए 10 रुपए, हाँ 10 रुपए में कोल्ड कॉफी बना बनाया, जहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलता है वहां पर, जब बोलो मैं कोल्ड कॉफी चाहिए पॉकेट में डालो चल लो आपके यहाँ, बस पिए आए, चाय खत्म हो गया, चाय पत्ती खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, और खाली ग्लास लीजिए इसमें डाल के ले आइए, बोले ग्लास में खत्म हो गया इसलिए स्ट्रॉ भी रखे रखी है तब भी यही बैठ के पीना है, उसके बाद चाय पे आपके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो एग्जामिनेशन के बाद टीचर के साथ होता है डिस्कशन, फीडबैक सेशन, लंबा सा इंटरक्शन होगा, हाँ ये सही शब्द मिला इंटरक्शन, फिर उन्होंने वो कहते भैया से बोलते हैं जाओ पूछो, सही किसका निकला, मेरा। अच्छा वो भी खुश थे, बोला अच्छा लगता है इसमें भी सोच रहे थे, नहीं हमको बोले हम भी सोच रहे थे, नहीं वो दोनों में कंफ्यूज थी बी और सी, बाबू ये हाफ है, अगर मान लो कंप्लीट सर्किल होता तो आप फीफा भी बदल देते, कहाँ होते हैं डबल मास, बीच में बोलना फीफा भी बता देते, इस केस में कहाँ होगा, देखिए यहाँ नहीं होगा ऊपर होगा, लेकिन तो 2R/π क्या क्या 2R/π मतलब ऊपर है जाता टू आर बाई पाई। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग आई मीन सॉरी कंप्लीट रिंग या कंप्लीट डिस्क का बताने की जरूरत है, और तो फिर बता दी सेंटर, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर डिस्क, हाँ डिस्क मतलब अरे तो फिजिक्स भूल गए या पढ़े ही नहीं थे, तुम्हारी दुश्मन सांप पाल रही, तो सांप फोर आर बाई थ्री पाई हमको टंस वाला
प्रोडक्ट मास है। ओहो एक स्क्वायर है, इसका आंसर हम ही दे देंगे सर। क्या हम ही दे देंगे आंसर? एक स्क्वायर है हम दे रहे ना, बुरा तो नहीं मान जाए कि हम बता रहे सर आप बता दिए, नहीं लग रहा है कि बाहर ना हो सकता है। ठीक है फलन तो ये बता देंगे स्क्वायर है, उसका सेंटर है, लेकिन जैसा हम बताए अच्छा चीज अफीफा को कभी पसंद ही नहीं, वो आई इतना दूर से सर्कल काट लगा दू को, ये जो रेडियस का बड़े वाले स्क्वायर का उसको डायमीटर बनाते हुए एक स्क्वायर काट के निकाल के भाग गई बॉल बॉल से आते हुए। अब आपको बताना है कि पुराना सेंटर मास जो सेंटर पे था अब वो किधर शिफ्ट हो गया? बड़े वाले से लिखिए क्वेश्चन, यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिए लिखना देखना यूनिफॉर्म स्क्वायर रेडियस आर, इसका रेडियस आर बाई टू, डायग्राम बनाना है बाकी दो को बनाए नहीं। फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिमेनिंग पार्ट, ये घर से करके आइएगा आपको बताना नहीं नहीं बस है बहुत आसान सेंटर ठीक है अगला बना के आएगी। ये क्या बात है कल एग्जाम है आपको सब देख के पता है बताओ नहीं तो क्लास रहेगा नहीं होगा कंप्यूटर का एग्जाम है। गुड तो आज रात में कंप्यूटर याद करके क्यों सुनेंगे? मतलब एग्जाम नहीं है? है अब किस चीज का? पेंटिंग का। तो पेंटिंग सुनेंगे? ठीक है पेंटिंग का एग्जाम ही नहीं है वही तो मेरा भाई पेंटिंग में फुल मार्क्स लेके आया था 100 to 100 बात करवाइए इससे प्रो टिप्स फॉर एग्जाम वो क्या लिखे है क्या लिखे है भैया R by 2 ये जल्दी अपलोड कर दी रही हूँ मतलब कुछ नहीं होना है नहीं नहीं ये लिखे नहीं है आपका टाइगर भी बनाना है अरे पल्ला यू विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट इट सून।